सत श्री अकाल जी। सो आज वर्ल्ड रेडियो डे है, मतलब विश्व रेडियो दिवस। UNO वालों इस दिन नूं आज दे दिन तहत रेडियो डे मनाने दा जो है ऐलान किया गया से। इस साल की जो थीम है वो है रेडियो एंड पीस, मतलब शांति दे नाल नाल रेडियो दी भी सानू बेहद लोड़ है, क्योंकि असी हमेशा खबरां च देखते हाँ, पढ़ते हाँ, कितने ना कितने मुल्क दे विच जंग चल रही है, आपस च लोग लड़ रहे ने। सो कितने ना कितने इन सारी चीज़ों शांत करने लिए पीस दे नाल नाल रेडियो दी भी जरूरत है। रेडियो एक यहोजा माध्यम है, या कह सकते हैं जरिया है, जो कि सिर्फ आवाज़ दे नाल ही एक दूसरे नाल रिश्ता कायम रखता है। रेडियो ने हर जगह साथ दिता है, चाहे असी सिनेमा जगत की गल कर लीए, या फिर जो भी गतिविधियां हो रही ने मुल्क उदी गल कर लीए, खेतीबाड़ी की गल कर लीए, और एमरजेंसी जिनी बार लगी है उत्थे भी रेडियो बहुत हेल्पफुल रहा। कोविड के टाइम के उत्ते रेडियो ने साड़ी बेहद मदद की है, जो TV बिल्कुल बंद हो चुके से। मनोरंजन की गल कर लीए तो रेडियो हमेशा साढ़े नाल रहिंदा। कोविड के टाइम के उत्ते जिन्नी भी सानू अपडेशन्स मिलनिया सी, जरूरी सी हदायत, वो सब रेडियो के जरिए ही असी सुन सके और अपना बचा कर सके। अज भी जेकर गल करिए रेडियो एक बहुत ही अहम साधन है कम्युनिकेशन का, और एक टाइम के उत्ते TV जो असी देखते हाँ तो असी बिखर जाने। कैमरा के उत्ते न्यूज़ एंकर न्यूज़ रीड पढ़ रहा होंदा, लेकिन नीचे कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट चल रही होंदी है। रेडियो आवाज़ के जरिए साड़ी कन्ना दे विच जो आवाज़ पहली है अनाउंसर दी, रेडियो जॉकी दी, या फिर कोई संगीत दी, उस दे नाल साड़ा एक रिश्ता कायम हो जाता है और एक अलग ही इमेजिनेशन बन जाती है। हज़ार चेहरे बन जाते हैं, लेकिन असल चेहरा किसी ने नहीं दिखाई देता, क्योंकि आवाज़ का रिश्ता है। सो मैं एक निका जहा पाठ हाँ इस रेडियो का, आकाशवाणी परिवार का, ऑल इंडिया रेडियो का बड़ा माण महसूस होंगे कहते हैं, और हमेशा इसी तरह ही इसका पाठ बन के रहना चाहती हाँ, और बड़े गर्व नाल कहना चाहती हाँ कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, गर याद रहे।